नमस्कार मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस क्या आप जानते हैं कि हमारे नेताओं और अन्य लोगों को जनपद यानी जिला स्तर पर किन सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानकों के आधार पर सुरक्षा दी जाती है यदि आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं चलिए हम आपको बताते हैं। यदि कोई महानुभाव या व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा हेतु तो पुलिस विभाग को पत्र देता है तो सबसे पहले जनपदी समिति द्वारा उसके जीवन के भय का आकलन किया जाता है और फिर जनपदी समिति की संस्तुति पर पुलिस उप महानिरीक्षक एक माह के लिए सुरक्षा कर्मी स्वीकृत करते हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है हालांकि अधिक अवधि के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होने पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाता है जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जिलाधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा प्रत्येक माह की जाती है हालांकि इस समीक्षा में सांसद विधायक मंत्री उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं श्रेणीबद्ध संरक्षित महानुभावों की अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था शामिल नहीं होती है सरकारी शासनादेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यवहार यानी खर्च अग्रिम भुगतान करना होगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यवहार यानी खर्च जमा नहीं कराया जाता है तो जमा कराई गई धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षाकर्मी को वापस ले लिया जाएगा इसके अलावा शासनादेश में व्यवहार यानी खर्च का विवरण भी दिया गया है जिसमें कहा गया है 100 प्रतिशत निजी व्यवहार पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने पर सोलह सो रुपए प्रति माह पुलिस कार्यालय की अंकित शाखा में जमा कराना होगा और 10 प्रतिशत व्यवहार पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने पर एक प्रति माह पुलिस कार्यालय की अंकित शाखा में जमा करना होगा अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस सुरक्षा स्तर के लिए कितना प्रतिशत व्यय का भार यानी खर्च वहन करना पड़ता है सरकार के शासनादेश के अनुसार सांसद व विधायक को एक पुलिसकर्मी निःशुल्क में उपलब्ध करवाया जाता है जबकि अधिक सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य पाए जाने पर 25 प्रतिशत व्यय के भार यानी खर्च पर एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी को सादे वस्त्रों में लगाया जाता है वहीं निवर्तमान सांसद व विधायक की सुरक्षा व्यवस्था के स्तर का औचित्य पाए जाने पर 10 प्रतिशत व्यय यानी खर्च वहन करने पर एक सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है जबकि प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख और कुलपति की सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य पाए जाने पर उन्हें 10 प्रतिशत भार यानी खर्च वहन करने पर एक सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा में लगाया जाता है वहीं प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य पाए जाने पर उन्हें दस प्रतिशत भार यानी खर्च वहन करने पर एक सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा में लगाया जाता है और अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार जनपदीय समिति की संस्तुति के बाद सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य पाए जाने पर दस प्रतिशत भार यानी खर्च वहन करने पर एक सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा में लगाया जाता है इसके अलावा जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला या गवाह इन दोनों की सुरक्षा व्यवस्था का औचित्य पाए जाने पर जनपदीय समिति के निर्णय के अनुसार एक सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाया जाता है हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्रावधान है वास्तव में जिन नेताओं या अन्य लोगों का जीवन किसी भी प्रकार से खतरे में है उन्हें सरकारी खर्चे पर निःशुल्क सरकारी सुरक्षा देना तो उचित है लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में चुनाव जीतते ही नेता स्वयं को वीआईपी समझने लगते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को स्टेटस सिंबल के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं जो बहुत ही अनुचित है इस परम्परा पर रोक लगाई जानी चाहिए अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं आज बस इतना ही धन्यवाद अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकार एक्सप्रेस डॉट कॉम के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह दस रुपये का सहयोग करें